नमस्कार। आज मकर संक्रांति है। देश भर में इसे नई फसल की कटाई के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारत के पंजाब, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में आम लोग माघ माची को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में इसे बिहू नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार सूर्य के मकर राशि में आने पर मनाया जाता है। आज से दक्षिणायन खत्म हो जाएगा और अब 6 महीनों तक सूर्य उत्तरायण में रहेगा। माना यह जाता है कि उत्तरायण शुरू होते ही ठंड कम होने लगती है और धीरे धीरे गर्मी में भी बढ़ोतरी होने लगती है। ऐसा होने से आज से दिन बड़े और रातें छोटे होने लगेंगी। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति से देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, यानी अभी तक खरमास के चलने से शादी विवाह और शुभ कामों को जो नहीं करने का रिवाज था वो फिर से शुरू हो जाएंगे। इस दिन कई जगहों पर पतंगों को उड़ाकर त्योहार को भी मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति कई मायनों में बहुत ही खास त्योहार है। सूर्य की स्थिति के आधार पर मनाया जाने वाला ये त्योहार है, क्योंकि बाकी त्योहार चांद की स्थिति पर मनाए जाते हैं। इस दिन सूर्य पूजा के साथ साथ तिल, कंबल, मच्छरदानी, खिचड़ी या गुड़ का भी दान करने की परंपरा है। इस पूरे दिन लोग जो हैं दान पुण्य, पूजा पाठ और तीर्थ दर्शन करते हैं। यूं तो इस त्योहार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन मैं आज आपको मकर संक्रांति से जुड़ी खास 4 मान्यताओं के बारे में बताऊंगी। पहली मान्यता के अनुसार जब सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं। शनि अपने पिता सूर्य को शत्रु मानते हैं, लेकिन एक मान्यता ये है कि मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं। पहली बार जब सूर्य शनि के घर गए थे तब इनके बीच के मतभेद दूर हो गए थे। दूसरी मान्यता ये है कि राजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिला था। पूर्वजों के मोक्ष के लिए देवी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना था। देवी गंगा को धरती पर लाने का काम राजा भागीरथ ने अपनी तपस्या से किया था। देवी गंगा धरती पर आई तो मकर संक्रांति पर भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों से गंगा का जल स्पर्श हुआ था और सभी पूर्वजों को मोक्ष मिला था। इस मान्यता की वजह से मकर संक्रांति पर गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है। तीसरी मान्यता की माने तो मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण में चला जाता है। शास्त्रों में इसे देवताओं के दिन की शुरुआत माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। उस समय माना जाता था कि मकर संक्रांति पर मरने वाले लोगों को सीधा मोक्ष मिलता है। मोक्ष यानी मरने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। अब आती है चौथी मान्यता। इस मान्यता के अनुसार माना जाता है कि सूर्य के मकर राशि में आने से खरमास खत्म हो जाता है और मांगलिक कार्यों के लिए फिर से शुभ मुहूर्त मिलने लगते हैं। इससे पहले खरमास में शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के बाद से ये शुभ काम फिर से शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों को इस बात में समझने में दिक्कत होती है कि मकर संक्रांति पर सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन होने का क्या मतलब है। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य की गति को दिखाते हैं। 6 महीने सूर्य उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। उत्तरायण का अर्थ होता है उत्तर की तरफ बढ़ना और दक्षिणायन का अर्थ होता है दक्षिण की तरफ गति। निरयन गणना के अनुसार 15 जनवरी से सूर्य उत्तर की ओर गति करने लगता है, इसलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है। दरअसल इस दिन पर्व मनाने का संदेश भी यह है कि अब सूर्य की दशा बदल गई है और अब दिन जो है वो धीरे धीरे बड़े और रातें छोटे होने हो जाएंगी। ये मौसम में परिवर्तन को भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि मकर संक्रांति कभी 14 तो कभी 15 को क्यों मनाई जाती है। इसलिए इसके पीछे ज्ञाता बताते हैं कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति में हर साल 4 कला का अंतर रहता है। इस वजह से मकर संक्रांति की तारीख में बदलाव होता रहता है। सूर्य हर साल करीब 4 कला की देरी से मकर रेखा या मकर राशि में आता है। साल दर साल 4-4 कला बढ़ते रहने से ये रहता है कि 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है, लेकिन पुराने समय में 12 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती थी। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति पर हुआ था और उस समय 12 जनवरी तारीख थी। अब ये पर्व 14 या 15 जनवरी को आने लगा है और आने वाले कुछ सालों में मकर संक्रांति 15 या 16 जनवरी को आने लगेगी।
मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ को खाने का भी रिवाज है। हालांकि कुछ जगहों पर दही चूरा भी खाया जाता है। ये सिर्फ मान्यता नहीं है बल्कि इसके पीछे एक आयुर्वेदिक कारण भी है, और वो ये कि मकर संक्रांति के समय शीत ऋतु यानी कि ठंड का असर काफी ज्यादा रहता है। इन दिनों में तिल या गुड़ खाने से हमारी जो पाचन शक्ति है उसमें काफी हद तक सहायता मिलती है, वो काफी हद तक सही हो जाती है, यहाँ तक कि शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। गुड़ की मिठास से हमें ग्लूकोज मिलता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और इससे काफी हद तक ठंड से जुड़ी बीमारियों का सामना करने में भी हमें हिम्मत मिलती है। ज्योतिषाचार्य पंडित शर्मा के अनुसार सफेद तिल और गुड़ सूर्य से संबंधित चीजें हैं। मकर संक्रांति सूर्य पूजा का पर्व है, इसीलिए इस दिन सफेद तिल या गुड़ का दान भी किया जाता है। तो आप भी मकर संक्रांति के इस उत्सव को अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुड़ या तिल खाकर जरूर मनाइए। और हाँ, हमें ये भी बताइए कि आपके यहाँ इस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।